हेलो दोस्तों, टेक 360 में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है 5 ईयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर्स क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। जो पहला है आज का टॉपिक जो है 5 ईयर्स, नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर 5 बार यस आएगा, 5 टाइम यस आएगा। जो पहला यस है, क्यों इसका हम यूज करते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो ये 5 ईयर्स आया कहां से, इसको सबसे पहले जान लेते हैं। एक जापानी वर्ड है, जो जापान के लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज करते थे, यही है 5 ईयर्स मेथड। 5 ईयर्स मेथड को यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। मान लो कि आपके घर में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, आपको सामान चाहिए और नहीं है, कौन सा है आपके यूज का, कौन सा नहीं यूज को आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जा रहे हो वहां पे खोजने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार यहां पे रखा हूं कि कहां पे रखा हूं। इसी तरह इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है कि जब हम कोई मटेरियल लेकर आते हैं उसको किसी तरह फेंक देते हैं, जो यूजफुल है नॉन यूजफुल है दोनों एक ही जगह रहता है। तो जब मशीन ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है या कुछ चीज हमें चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तो उस समय वो मिक्स हो जाता है और खोजने में काफी टाइम का कंजप्शन हो जाता है, इससे काफी लॉसेस हो जाते हैं। तो चलिए इसको जो पहला यस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला यस हमारा है शॉर्ट। अब आपके पास एक एग्जाम्पल आप समझ लें कि आपके पास कचरा है रखा हुआ, मतलब कि जो यूजफुल है और जो नॉन यूजफुल दोनों को मिक्स किया है, तो आपको पहला जो प्रोसेस जो 5 ईयर्स का कहना है कि आप सॉर्ट करो। सॉर्ट मतलब छटनी करो, रिमूव करो। आप क्या सॉर्ट मतलब छटनी किसको करना है, जो हमारा काम का चीज नहीं उसको हटा के हमको रख देना है, जो हमारा यूजफुल है उसको एक जगह पे रखने का है। तो पहला प्रोसेस में, पहला यस में क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, जो हमारा अनवांटेड मटेरियल है उसको हटा देंगे, जो वांटेड है उसको रखेंगे। लेकिन बस यहां पे नहीं होगा। अब अगला स्टेप क्या, हमारा सेकंड यस क्या बोलता है कि आप छटनी तो कर ली है, अब क्या करोगे कि जो हमारा चैनल मटेरियल, तो पहला प्रोसेस में कंप्लीट हो गया, सेकेंड है सेट इन ऑर्डर। अब क्या करना है कि उसको एक ऑर्डर में हमको फिक्स करना है कि कहां पे कौन सा मटेरियल रखना है, किस चीज के लिए मटेरियल, अगर एक तरह का तो एक जगह रखना है, इससे हमको इजी होगा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसको खोजने में इजी होगा, ये है सेट इन ऑर्डर। थर्ड वन क्या है, थर्ड जो है आपका साइन करना। साइन का मतलब होता है कि किसी चीज को चमकाना, मतलब कि मटेरियल रख दिए उसको बार बार उसको क्लीन करते रहना है, मेंटेन करते रहना है, यही है साइन करना, थर्ड यस। फोर्थ यस जो आपका है स्टैंडर्डाइज, अब क्या करना है कि उसको एक साइकिल में मेंटेन करते रहना है, कि स्टैंडर्डाइज करना है कि क्या हमारा प्रोसेस क्या उसको और इंप्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको अच्छे तरह से रख सकते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज मतलब एक लेवल में लेके आने का, कि हमको ये चीज है उसको टैग लगा दिए कि हमको आइडेंटिफिकेशन है, उसको लेके आ गए स्टैंडर्डाइज। नंबर फिफ्थ ईयर जो है आपका वो है सस्टेन करना, कि मान लो एक बार सब कुछ आपने कर लिया, क्या वो बार बार रहेगा, जब भी हम आ रहे हैं तो अनवांटेड मटेरियल को थ्रो इट कर रहे हैं, कुछ दिन तो रहेगा क्लीन, लेकिन अगर इस साइकिल प्रोसेस को मेंटेन नहीं करेंगे तो 5 ईयर्स पूरा मेंटेन नहीं हो पाएगा। 5 ईयर्स एक दिन का टास्क नहीं है, इसको बार बार मेंटेन करना है, तभी वो 5 ईयर्स फॉलो होगा। जब 5 ईयर्स फॉलो होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। क्या मान लो घर में बैठे हो, जहां पे पड़े झाड़ू मारते हो, क्लीन करते हो, कि एक दिन आप झाड़ू मारते हो दूसरे दिन आप क्लीन नहीं करते हो, इसी तरह एक प्रोसेस है कि आप पर डे उस चीज को अगर फॉलो करोगे तो 5 ईयर्स मेंटेन होगा, और 5 ईयर्स मेंटेन होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। जहां पे क्लीन है वहां पे काम करने में, वर्क पैलेस में काम करने में मजा आता है, और वहां के लोग का जो एनवायरमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और लोगों को काम करने में मजा आएगा। लेकिन जहां पे मान लो कि कचरा फैला हुआ है, क्या वहां पे मजा आने वाला है, नहीं आने वाला है। ये 5 ईयर्स
प्रोसेस कैसा लगा है, क्या आपको सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।